हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम रिव्यू करने वाले 2015 की तेलुगु हॉरर थ्रिलर फिल्म अमुनु 2 का हिंदी डब वर्जन, जिसको हिंदी डब वर्जन में नाम दिया है आत्मा का घर 2। इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया है रवि बाबू ने। मूवी के लीड रोल में हर्षवर्धन राणे और पूर्णा। मूवी के सपोर्टिंग कास्ट में रवि बाबू, निकिता ठुकराल, चक्रवर्ती, संजना गलरानी और चलपति राव। तो चलिए बात करते हैं मूवी की स्टोरी की। जैसे कि आत्मा का घर यानी कि अवनु में दिखाया था कि मोहिनी यानी कि पूर्णा और हर्षा यानी कि हर्षवर्धन राणे किसी तरह से एविल स्पीड से बच जाते और अब वो दूसरी सिटी में शिफ्ट हो गए और नए फ्लैट में रह रहे। किसी एक अच्छे दिन वो दोनों काशी जाते और वहाँ एक साधु से मिलते जो मोहिनी को एक पवित्र धागा देते जिससे मोहिनी एविल स्पीड से सेफ रहे और वो कपल वापस घर आते और खुशीपूर्वक अपने जीवन में जी रहे। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब कैप्टन राव की आत्मा फिर से मोहिनी को पाने के लिए वापस आती है। तो अब मोहिनी इस एविल स्पीड से कैसे बचेगी? क्या साधु का पवित्र धागा मोहिनी के जीवन को बचा पाएगा? ये सभी सवालों के जवाब पाने के लिए आपको ये मूवी पूरी देखनी पड़ेगी। तो ये तो हुई मूवी की स्टोरी। तो चलिए बात करते हैं मूवी के प्लस पॉइंट्स की। फिल्म की मेन क्रेडिट जाती है डायरेक्टर रवि बाबू को, क्योंकि उन्होंने फिल्म को डिसेंट मैनर में एग्जीक्यूट किया है। इस फिल्म में भी पूर्णा को मूवी का सेंट्रल कैरेक्टर दिखाया है। उनका ये रोल आपको कन्विंसिंग लगेगा, जो फिल्म में काफी गहराई लाता है। फिल्म की टेक्नोलॉजी और लोकेशन काफी अच्छे थे। फिल्म का ग्राफिक्स नेचुरल लगेगा और डिजाइन भी कन्विंसिंग है। हर्षवर्धन राणे की एक्टिंग स्किल पहले के मुकाबले और भी ज्यादा इम्प्रूव हुई है। वो अपने रोल से फिल्म में एक अलग छाप छोड़ रहे हैं और आपको वो कई जगह पे इम्प्रेस कर जाएंगे, खास करके एक सीन जहाँ पे वो चेयर पे टाइड अप है। सेकंड हाफ के साथ बढ़ती इंटेंसिटी फिल्म को और भी बेहतरीन बनाता है। फिल्म का एक और प्लस पॉइंट है, वो है फिल्म का रन टाइम। फिल्म को 1.5 से 2.25 घंटे का रन टाइम दिया हुआ है, जिसकी वजह से सभी चीजें जल्दी से मूव होती है और फिल्म की पेस कंसिस्टेंटली फास्ट चलती रहती है, जिससे आपको फिल्म से बोरियत महसूस नहीं होगी और आप फिल्म के साथ कनेक्टेड रहोगे। ये तो है मूवी के प्लस पॉइंट्स। तो चलिए बात करते हैं मूवी के माइनस पॉइंट्स की। फिल्म का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है फिल्म की स्पूकी मूवमेंट्स। अवनु 2 यानी कि आत्मा का घर 2 हॉरर थ्रिलर की बजाय एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है, जो आपको काफी हद तक प्रिडिक्टेबल लगेगी। फिल्म का फर्स्ट हाफ रूटीन है और फर्स्ट हाफ का कॉन्सेप्ट आत्मा का घर यानी कि अवनु से काफी मिलता जुलता है। जिन्होंने पहला पार्ट यानी कि अवनु 1 देखा हुआ है वो शायद इस फिल्म से बोर हो सकते हैं। क्लाइमेक्स को काफी सिंपल रखा गया है और जल्दबाजी में लपेटा हो ऐसा लगता है। रवि वर्मा का कैरेक्टर फर्स्ट हाफ में उतना इम्प्रेसिव नहीं है। ये तो हुए मूवी के माइनस पॉइंट्स। तो चलिए बात करते हैं मूवी के टेक्निकल पॉइंट्स की। फिल्म की लोकेशन अच्छी थी, डायरेक्टर ने एक अच्छे हाउस को चूज किया था और उन्होंने कोने कोने तक पूरे घर को बढ़िया तरीके से कवर करके दिखाया हुआ है। हॉरर फिल्म में जहाँ बैकग्राउंड म्यूजिक काफी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इस बार अवनु 2 यानी कि आत्मा का घर 2 में उतना खास बैकग्राउंड स्कोर नहीं था। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर आपको एक समय पे इरिटेट करने लगेगा। डायरेक्टर रवि बाबू ने फिल्म के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं किया हुआ है और उन्होंने एक डिसेंट थ्रिलर फिल्म बनाई है। फिल्म के सेकंड हाफ की पेस सबको पसंद आएगी, जहाँ पे चीजें काफी जल्दी बदलती है। फिल्म की एडिटिंग हॉरर फिल्म के हिसाब से परफेक्ट तरीके से की हुई है। ये तो हुए मूवी के टेक्निकल पॉइंट्स। तो चलिए बात करते हैं मूवी के फाइनल वर्डिक्ट की। कुल मिला के कहे तो अवनु 2 यानी कि आत्मा का घर 2 में कुछ वेल एग्जीक्यूटेड और एंगेजिंग मोमेंट्स देखने को मिलेंगे। फिल्म की बैक स्टोरी, फिल्म का सेकंड हाफ और लीड एक्टर्स की डिसेंट परफॉर्मेंस फिल्म का मेन बेसिक प्लस पॉइंट्स है। लेकिन जिन्होंने आत्मा का घर पार्ट 1 यानी कि अवनु देखा हुआ है, उन्हें इस फिल्म का फर्स्ट हाफ शायद पसंद नहीं आएगा। पर जिन्होंने आत्मा का घर नहीं देखा हुआ है, ये फिल्म उन्हें जरूर पसंद आएगी। तो मैं इस हॉरर थ्रिलर फिल्म अवनु 2 के हिंदी डब वर्जन को यानी कि आत्मा का घर 2 को 5 में से 3.2 की रेटिंग देता हूँ। इसे एक अच्छी फिल्म कह सकते हैं। आप इस फिल्म को एक बार देख सकते हो, आपको ये फिल्म पसंद आएगी। तो बस आज के रिव्यू में इतना ही था। तो आज का हमारा ये रिव्यू आपको कैसा लगा? अगर आप ये मूवी देखते हो तो मूवी देखने के बाद हमें कमेंट करें कि आपको ये मूवी कैसी लगी। तो और भी ऐसे नए साउथ इंडियन मूवी के रिव्यू के लिए, अपकमिंग साउथ इंडियन मूवीज़ की न्यूज़ के लिए, सभी प्रकार के साउथ इंडियन मूवीज़ के टेलीविजन प्रीमियर, यूट्यूब प्रीमियर के रिगार्डिंग कन्फर्म और ऑफिशियल अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।